नमस्कार, 24 आवर्स टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पे। मेरठ के शांति फार्म हाउस स्थित झुग्गी झोपड़ी में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारण स्पष्ट आसमान से दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आपको बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल मेरठ के थाना सदर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा आग लगाई गई, जिसको लेकर एक बड़ा आक्रोश लोगों में था। इस बवाल के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। आपको बता दें कि कितने ही मवेशी जलकर खाक हो गए। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल को इतना विकराल रूप ले लिया, जिसका सामना सिर्फ गरीब जनता को ही करना पड़ा। पब्लिक हादसे को हटाने की तरह तरह की कोशिश कर रही है। जैसे आपको बता दें कि कोई गैस सिलेंडर हटाता नजर आ रहा है, तो कोई बैटरी रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, लोगों की कोशिश नजर आ रही थी। वहीं एक तरफ मौके पर सरकार द्वारा सुविधा मुहैया कराई गई सुविधा का भी मौके पर नहीं काम आई। जी फोर्स के साथ में जी, उन्होंने आके एक मकान बन रहा था, उनका कहना ये अवैध मकान बन रहा है जी, इसे हम तोड़ेंगे जी। उसमें पब्लिक की उनके साथ नोकझोंक हो गई। उसमें उन्होंने कहा हम इस पूरी बस्ती में आग लगाते जी। उसके साथ में उन्होंने पब्लिक के साथ में लाठी चार्ज करे, 10 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके थाने में भेजा। पब्लिक में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद में पूरा मैदान, पूरा एरिया खाली हो गया डर के मारे। उन्होंने मौका पाके जो है मेरे सामने मस्जिद के अंदर विजय गुप्ता ने आग लगाई। अच्छा, तो ये जो आग लगी है उस साइड में क्या मस्जिद है? मस्जिद है। उसके बाद में पूरी बस्ती में आग फैल गई। 100 से ज्यादा सिलेंडर फटे हैं और कम से कम 100 से ज्यादा बकरी बच्चे चले हैं और आदमी औरत बच्चे का पता नहीं कितने चले, कितने मरे कुछ नहीं। तो ये जो आग लगाई गई है, क्या आप बता सकते हैं किस चीज से और किस चीज का प्रयोग करा गया है? टार जला के वो फेंका गया है, प्लास्टिक का बच्चे वगैरह वो जला के वो उसके अंदर फेंके गए हैं। और खुद जो मस्जिद के अंदर प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई थी उसके अंदर डाली तो एकदम आग पकड़ा। अब आप भी सुन रहे होंगे पीछे से बराबर जो सिलेंडर फटने की आवाज आ रही है। अब आग लगी गई है, लगाई गई है, अभी से बात गए। फिलहाल तो अभी कंट्रोल का काम है कि भैया पहले से किसी तरीके से आग कंट्रोल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रयास इस चीज के किए जा रहे हैं कि लोगों को बाहर निकाल लिया है। अच्छा, इसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग अंदर जो फंसे हुए हैं अभी संभावना है कि कुछ और काफी लोगों को निकाल लिया गया है बाहर, क्योंकि पीछे की साइड से जो एक दीवार है उसको तोड़ के लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मगर संभावना भी यह है कि कुछ लोग अभी अंदर और हो सकते हैं। मेरठ से 24 आवर्स टुडे न्यूज के लिए अंजलि की रिपोर्ट।